जिला स्तरीय 3 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का डीएम व एसपी ने किया उद्घाटन। कला संस्कृति एवं युवा विभाग तथा जिला खेल विभाग द्वारा आयोजित 3 दिवसीय जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन शनिवार को स्टेडियम में किया गया। इस अवसर पर जिला अधिकारी वैभव चौधरी, पुलिस अधीक्षक उपेंद्रनाथ वर्मा, डीसीएलआर रविंद्र कुमार, डीपीआरओ योगेंद्र लाल दास, जिला शिक्षा पदाधिकारी अनिल कुमार तथा जिला खेल पदाधिकारी दिलीप कुमार वत्स ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर सभी आगंतुक अतिथियों को बैच व पौधा देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि खेल शिक्षा का अभिन्न अंग है। सरकार चाहती है सभी विद्यालय में एक खेल मैदान आवश्यक हो, जिससे छात्र छात्राएं खेल प्रतिभा में अधिक निखार ला सके। जिला अधिकारी वैभव चौधरी ने कहा कि कला संस्कृति विभाग युवा विभाग द्वारा ये खेल का आयोजन किया जा रहा है। इसमें अंडर 14, 17 एवं 19 आयु वर्ग के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। वहीं इस प्रतियोगिता में 5 प्रकार के खेल का आयोजन किया गया है, जिसमें बैडमिंटन, शतरंज, खो खो, वुशु, कबड्डी एवं योग का आयोजन होगा। उन्होंने कहा कि बिहार की धरती से अनेकों खिलाड़ी हुए हैं, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिले और राज्य का नाम रोशन किया है। जो प्रारूप है वो खेल ऐसा माध्यम है जहां सबको बराबर का मौका मिलता है। कई सारी उन्होंने कहा कि निर्णायक भी अपनी विश्वसनीयता बनाए रखें, नहीं तो खेल के आयोजन में अनुशासन बिगाड़ सकता है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ तन में स्वस्थ मन का निवास होता है, जिसके कारण आपका पढ़ाई लिखाई में भी मन लगता है। विजेता या उपविजेता बनने पर निराश नहीं होना है, बल्कि आगे और भी मेहनत करें, जिससे आगे कामयाबी अवश्य मिलेगा। तैयारी अच्छे से करें, मैं आपकी उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं। पुलिस अधीक्षक उपेंद्रनाथ वर्मा ने कहा कि खेल के माध्यम से बच्चों में शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है। उन्होंने कहा कि पहले खेल को खराब और शिक्षा को अच्छा माना जाता था, लेकिन अभी अवधारणा बदल गई है। खेल क्षेत्र में भी छात्र छात्राएं अपने करियर का निर्माण कर सकते हैं। उन्होंने हेल्दी प्रतियोगिता के साथ खेलने का आह्वान किया, जिससे जिले, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई जा सके। ज्ञात हो कि जिले के सभी स्कूल से सभी खेलों में बच्चों ने भाग लिया। इस अवसर पर रोशन सिंह धोनी मनोरंजन सिंह ने बताया कि इस प्रतियोगिता में सफल प्रतिभागियों को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे, अभिभावक, शिक्षक एवं शिक्षिकाएं सहित मौजूद थे। जी आज कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार सरकार के निर्देश के आलोक में जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता आयोजन किया गया है। ये खेल प्रतियोगिता 3 दिन चलेगी, जिसमें विभिन्न खेलों के हमारे खिलाड़ी आएंगे और सभी बच्चे हमारे अंडर 14, अंडर 16 और अंडर 19 वर्ग के हैं। उन सभी लोगों को विभिन्न खेलों के माध्यम से एक अवसर दिया जा रहा है। इसके बाद जिन बच्चों का हमारा सिलेक्शन होगा, उन सभी लोगों को राज्य स्तर में खेलने का अवसर मिलेगा। और इसके अंदर ये सभी बच्चों के लिए ओपन टू ऑल था, यानी कोई भी बच्चा इसके अंदर किसी भी खेल विधा में पार्टिसिपेट कर सकता है। इसमें किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और मैं अपेक्षा रखता हूँ और आप आशा करता हूँ और आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से अनुरोध भी करता हूँ कि जो बच्चे भी खेल के लिए इच्छुक हैं, वो लोग भी यहाँ पर जो जिला मैदान है सहरसा का, वहाँ पर आ सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और वो लोग अपने संबंधित खेलों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिला स्तरीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया है, शिक्षा क्या आज युवा एवं कला संस्कृति मंत्रालय के द्वारा स्कूली लेवल पे जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों के बीच खेलों के प्रति जो पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाना और साथ ही साथ यहाँ के जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको स्टेट लेवल पे भी ले जाना और आगे फर्दर नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे भी लेके जाया जा सके, मतलब एक तरह से टैलेंट खोज किया जाना है। और चूंकि यहाँ काफ़ी लोग पार्टिसिपेट भी किए हैं और अगले 3 दिनों तक इनका अलग अलग गेम्स में प्रतियोगिता भी होना है, तो यहाँ से जो बच्चे जीतेंगे या जो बढ़िया परफॉर्मेंस करेंगे उनको एक उचित प्लेटफॉर्म भी मिलेगा।